नमस्कार प्रिय मदर फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरा वॉइस थोड़ा लाउड होगा क्योंकि दशहरा की वजह से बाहर से काफी सारा आवाज आ रहा है, नॉइज आ रही है, तो मेरा आवाज मैं थोड़ा लाउड रख रहा हूँ ताकि आप तक मेरी बात समझ में आए, सुन सके। अभी मैं जो है अपने बच्चियों के बाड़े में हूँ और ये अपने गिरनंदी महाराज हैं और इनसे तो आप लोग सब लोग परिचित हैं वीडियोस में पहले भी। हाँ, आज की वीडियो आप लोग के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिहार में जो छोटे किसान हैं या जो अपना डेयरी शुरू करना चाहते हैं या जो 3-4 गाय से अपना डेयरी कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बिहार सरकार ने गव्य विकास योजना के तहत 4 गायों का शेड और 4 गायों की खरीदगी के लिए अनुदान घोषित किया है और वो अनुदान का एप्लीकेशन करने का तारीख 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। अब सबसे पहला आप लोग का सवाल होगा कि आप ये तो बता दिए कि अनुदान कर रही है, लेकिन शर्तें क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है किसी भी साइबर कैफे में जो आपके ब्लॉक के आसपास हों, उस साइबर कैफे में जाइए और बोलिए कि मुझे गव्य विभाग के लिए अनुदान के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको आपका एक पहचान पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, 10 कट्ठे से 1 बीघा जमीन की रसीद अगर आपके पास है, आपके या आपके पिताजी के नाम की हो, उसका LPC की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जमीन के रसीद की आवश्यकता होती है, वो रसीद चाहिए होगा और आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा और फोटो चाहिए होगा। और आपको 4 गाय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 गाय के लिए आप अप्लाई करेंगे। जो टोटल अनुदान की राशि है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50%, OBC के लिए 50%, SC और ST के लिए 75% है और EBC के लिए 50% है। जो टोटल अमाउंट है वो 3,38,000 का है। 3,38,000 में जो जनरल कास्ट है उनको 1,69,200 रुपए का सब्सिडी मिलेगा। OBC को भी यही अमाउंट होगी, लेकिन जो SC ST है उनको 75% मिलेगा, 1,69,000 रुपया प्लस 84,500 रुपये और आप उसमें ऐड कर लीजिए। तो अगर 84,500 हम ऐड करते हैं तो आपका 2,45,000 रुपये के करीब अमाउंट बनता है, जो कि आपको सब्सिडी के तौर पे सरकार अनुमोदित करेगी, सब्सिडी देगी। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया, फोटो, आधार, पैन आधार और ये आपका निवास प्रमाण पत्र और एक जमीन का कागज रसीद, जो आपने रसीद कटाया हो, लेटेस्ट रसीद जमा करना है 22-23 का। और ये रसीद अगर आप जमा कराएंगे तो उसके बाद गव्य विभाग की ओर से आपको कॉल आएगा। कॉल आने पे आपको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिस दिन आप जाएंगे तो वहाँ कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि आप करना चाहते हैं, कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, और उसके कुछ दिन बाद। तो ये जो प्रक्रिया है वो 4-5 महीने की है, लेकिन अप्लाई करने पे आपको 4-5 महीने में अनुदान का पैसा मिल जाता है और आप उससे इस रोजगार को कर सकते हैं। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो स्वलागत से भी कर सकते हैं और दूसरा बैंक से लोन भी आप ले सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया जो है गव्य विभाग पूरे तरीके से, जब गव्य विभाग के किसी अधिकारी से आप बात करेंगे तो आपको वो लोग बताएंगे कि कैसे करना है। हर जिले के लिए अलग अलग एलोकेशन हुई है, अलग अलग अलॉटमेंट्स हुई हैं और बिहार के सभी 38 जिलों के लिए इसको चालू किया गया है। अभी ये 1 तारीख से 20 अक्टूबर 2022 अंतिम तिथि है। अपना वो एप्लीकेशन जमा करने का, तो आपको वो एप्लीकेशन फिल करा करके जमा कर देना है और जमा करने के बाद इंतजार करना है कि गव्य विकास पदाधिकारी के यहाँ से आपको कब कॉल आता है। तो ये बड़ा अच्छा है। चलिए देखिए, बहुत छोटा ही प्रयास है सरकार का, लेकिन है तो ना से हाँ भला वाली बात है। और जो छोटे किसान है, जो मझौले किसान है, जो बहुत छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं, 5-10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो ये इस योजना का लाभ लेकर के अपना छोटा सा शेड और छोटा सा डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए, डेयरी फार्म अगर 3-4 गाय से भी आप शुरू करते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि बेनिफिट और पैसा नहीं कमा सकते हैं। और सरकार का अनुदान है तो आपका कम पैसा लगेगा, आप कम पैसे में ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर फाइल कीजिए और जो लोग फाइल करें वो मेरे कमेंट में जरूर बताएं कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट में भरा है।
अगर उसके बाद किसी प्रकार की मेरे से सहायता की आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरा ये 9534219999 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए मैं हर आदमी का कॉल नहीं उठा सकता हूँ, मेरे पास दो मोबाइल्स होती हैं, कंपनी का मोबाइल पे काफ़ी कॉल्स आते हैं तो मैं दूसरा मोबाइल बहुत बार नहीं उठाता हूँ। तो आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं 10 दिन में जवाब दूँ, 2 दिन में जवाब दूँ, जवाब जरूर दूंगा। तो आप एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन करने के बाद इस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और जितने लोग का हमारे से पॉसिबल हो सकेगा गव्य पदाधिकारी, गव्य विकास का ऑफिस खोजना, वहाँ के किसी पदाधिकारी से बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके तरफ से उनसे बात जरूर करूँगा। तो ये है, इसको आप एक तरीके से समझिए कि BDFA की शुरुआत मान लीजिए। अब सब लोग नहीं मिल रहे हैं तो मेरे लिए यही शुरुआत है और इस शुरुआत के तहत हम लोग यही कर रहे हैं कि आप अभी व्हाट्सएप कीजिए, उस व्हाट्सएप पे मेरे को वहाँ का गव्य विभाग का मैं खोजूंगा, जिस भी जिले का होगा मैं बात करूंगा, अगर कोई अधिकारी वहाँ जानकार होंगे तो मैं ज़रूर उसमें बात करके आपका देखूंगा कि आपका कार्य हो सके। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि मिल जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर आपके लिए प्रयास करूंगा। ये प्रयास रहेगा अपने किसान भाइयों के लिए ताकि हमारे किसान थोड़ा बहुत लाभ कमा सकें, जो छोटे तबके के लोग हैं उनको भी उठने का एक मौका मिल सके। और यकीन मानिए, अगर आप लोग मन से काम करेंगे तो 4 गाय से 40 गाय होने में समय नहीं लगता है, आपकी मेहनत ही आपको आगे और सफल बनाएगी। तो यही वीडियो था छोटा, और इस वीडियो को यहीं पे अभी हम लोग समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में बताऊंगा कि BDFA किस तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे, और अगली वीडियो जो आएगी वो BDFA के ऊपर होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे, और समझने के बाद आप लोग ज़रूर रिप्लाई कीजिए, ज़रूर व्हाट्सएप मुझे कीजिए, जो लोग भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। मैं देखता हूं कि कितने लोग का हो पाता है, बिहार में सरकारें किस तरीके से सफल इस चीज़ को कर सकती हैं। ज़रूरत पड़ी तो जो भी मेरे तरफ से मदद हो पाएगा मैं ज़रूर मदद करूँगा। तो धन्यवाद आप लोग का, आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।